नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस क्वालिटी, सर्विस परफॉर्मेंस और डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं कि आखिर सर्विस क्वालिटी क्या है। लेकिन दोस्तों, सर्विस क्वालिटी पर पहुंचने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सर्विस परफॉर्मेंस क्या है। To the business analyst and the project managers, service performance is a matter of making sure that the processes are performing according to the specification. To developers, service performance is a matter of making sure that the functional requirements are being met. इसका सीधा और सिंपल मतलब यह है कि organizations में जो project managers हैं, जो business analyst हैं, जो developers हैं, उनका एक ही एम है कि वो किस तरीके से इस बात को इंश्योर करे कि जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है स्पेसिफिकेशन की, अपने सर्विसेज की, या जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्या उनके उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विस अपनी परफॉर्मेंस दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर सर्विस परफॉर्मेंस आपके स्पेसिफिकेशन, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यू आर डूइंग वेरी वेल। इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं और जो आपको सर्विस आउटकम मिल रहा है वो बेस्ट मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द सर्विस क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू फिलिप बी कॉस्बी, क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स इन ए वेरी शॉर्ट लैंग्वेज। देखिए, बहुत ही छोटे शब्दों में कहा गया क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इस बात का कन्फर्मेंस है कि जो रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, कन्फर्म करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी नीड को, वांट्स को फुलफिल करते हैं, तो दैट इज़ क्वालिटी। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया आपके प्रोवाइडेड फंक्शनैलिटी से, जो आप उसको बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, यही क्वालिटी है। हाउएवर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस शुड स्ट्राइव टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन सो एज टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीटर्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गए, एक्सीड करने मतलब अगर कस्टमर को अगर 10 लेवल तक की उम्मीद थी आपसे और आपने उसको उस लेवल 10 के भी आगे आपने उसको डिलीवर कर दिया, तो कस्टमर आपसे हाईली सेटिस्फाई होगा और उस कंडीशन में आप मार्केट में आप अपने कंपटीटर से बहुत आगे निकल सकते। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल का जो फ़ोन है आईफोन, आईफोन ने क्या किया, अपने आप को क्वालिटी में हाइयर साइड रखा और उसकी वजह से वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पर हाइयर साइड है और इसीलिए मार्केट में उनका किसी और प्रोडक्ट या किसी कंपनी के साथ उनका कंपटीशन नहीं है। क्वालिटी इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव लाइक यूजर बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, ऑपरेशन बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड। क्वालिटी को हम अलग अलग सेगमेंट्स के तौर पर भी हम डिलीवर कर सकते हैं और डिफाइन, यूजर बेस्ड यानी कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा प्रोडक्ट यानी कि हम प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स उसको डिलीवर कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट बेस्ड, ऑपरेशन बेस्ड यानी फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे हैं, एंड वैल्यू बेस्ड यानी कि हम अपने प्रोडक्ट में कौन से ऐसे वैल्यूज ऐड कर रहे हैं जिससे कस्टमर को बेनिफिट होगा और वो सेटिस्फाई होगा। दीज आर द सम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। Now coming to the purpose of service quality. Service quality का purpose क्या है? उसको अगर हम बहुत ही nutshell में देखेंगे इस diagram पे, improved service performance. अगर आपने अपनी service performance को improve किया, तो क्या होगा? Improved customer satisfaction. Once performance is increasing, it's mean that satisfaction level of customer also increase. Customer का satisfaction भी बढ़ रहा है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन अगर इंप्रूव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव। कस्टमर रिटेंशन क्या है? द लॉयल्टी ऑफ कस्टमर एंड द एसोसिएशन ऑफ द कस्टमर विद द कंपनी। कंपनी के साथ कस्टमर क्या हो रहा है? जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। अगर इस कंडीशन में कस्टमर रिटेंशन आपका इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका मार्केट शेयर यानी कि उस मार्केट में जो आपका कैपिटलाइजेशन है, जो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्केट है, वो भी इंक्रीज होगी। और मार्केट शेयर इंक्रीज करने का सीधा मतलब क्या है कि कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी, यानी कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो दैट इज द सिंपल पर्पस ऑफ क्वालिटी। अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा, रिटेन करेगा और प्रॉफिट भी आपको अर्न होगा। दैट इज द पर्पस ऑफ सर्विस क्वालिटी। नाउ कमिंग टू द डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। बहुत से डायमेंशंस है।
एंड दीज आर लाइक रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, एम्पैथी, टेंजिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों कुछ किताबों में आपको ये मिल सकता है, सर्विकल मॉडल के तौर पे भी आपको ये डायमेंशंस मिल सकते हैं। आप इनको एज ए डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी भी पढ़ सकते हैं, या आप इसको सर्विक्यूएल मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। अब इस डायमेंशंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। रिलायबिलिटी, पहला डायमेंशन, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ सर्विस अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल क्या, रिसीव मेल एट सेम टाइम ईच डे। यानी कि सर्विस एक देखिए आपका ऐसी चीज़ होती है जो हमको टेंजिबिलिटी के तौर पर अगर हम देखें तो टेंजिबल नहीं होती। तो यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं डे वन पर, तो क्या डे टू डे थ्री पर हम उसी लेवल की सर्विस डिलीवर कर पा रहे हैं? अगर हमने ये किया तो डेफिनेटली हम सर्विस क्वालिटी को अचीव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी की तरफ से अगर आपको ईमेल की रिप्लाई ऑन ए डे एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको मिलती है, तो देर इज़ ए स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। आपको पता है कि आज मुझे शाम को 5 बजे तक इस जो मैंने क्वेरी किया है उसका मुझे रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे कि क्या होता है, आप बहुत सी कंपनीज में कस्टमर केयर से बात करते हैं, कस्टमर केयर आपको विद इन ए डे रिप्लाई करता है, तो इससे क्या होता है कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है। जो अगला डायमेंशन है हमारा, रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्विस क्वालिटी के प्रोस्पेक्टिव में। अगर देखें विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर प्रॉम्प्टली, फॉर एग्जाम्पल अवॉइडिंग कीपिंग कस्टमर वेटिंग फॉर नो अपीयरेंट रीजन। विलिंगनेस यानी कि आपकी खुद की इच्छा शक्ति कितनी है कि आप कस्टमर को कितना हेल्प करना चाहते हैं और कितनी जल्दी हेल्प करना चाहते हैं। कस्टमर केयर पे अगर फोन आ रहा है, तो अगर कस्टमर केयर पे फोन आते ही आपने कस्टमर केयर ने रिस्पॉन्स दिया कस्टमर को, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की क्वेरी करते हैं डेस्क पर जाकर, तो वहाँ पर अगर आपको जो अटेंडी है, जो मैनेजर है CRM का, वो अगर आपको रिस्पॉन्स देता है विदाउट एनी वेटिंग, आपको वेट नहीं करवाता और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस किया गया। दे आर रिस्पॉन्सिव इन नेचर, और रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर को सुन रहे, और यही क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला जो डायमेंशन है एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को एश्योर्ड करना, द एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एश्योरेंस मतलब क्या, कस्टमर को इस बात को कन्वे करना कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये उसको ट्रस्ट उसके अंदर एक डेवलप करना, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना। बीइंग पोलाइट एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर, अगर आप कस्टमर से बात करें तो आपको पोलाइट होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही पोलाइट और सॉफ्ट होना चाहिए। आपकी बातचीत के आपके जेस्चर और पोस्चर से ये समझ में आना चाहिए कस्टमर को कि आप उसे रिस्पेक्ट दें। ये चीज़ें कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को गेन करें। तो क्वालिटी में क्या, अगर कस्टमर को एश्योरेंस मिल रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के अंदर एक बिल्डअप होता है कि हाँ मेरी बात को सुना जा रहा है, और उस कंडीशन में कस्टमर तब भी आपके साथ एसोसिएटेड रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द एम्पैथी, एबिलिटी टू अप्रोचेबल, बीइंग ए गुड लिसनर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कस्टमर की बात को सुन रहे हैं, यानी अप्रोचेबल, अगर कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो आप उसको तुरंत सुन रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं। एज ए कस्टमर नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है कस्टमर केयर के साथ या एक कंसर्न पर्सन के साथ। अगर फर्स्ट फेज में आपने बहुत ही पेशेंस के साथ उसकी बात को सुना, तो इसका मतलब क्या है, आपने वहाँ पर उसकी 50% प्रॉब्लम को ख़त्म किया। यू हैव टू बी ए गुड लिसनर, अगर आप एक अच्छे लिसनर की तरह उसकी बात को सुनेंगे अटेंशन के साथ, तो उससे क्या होता है कि उसको समझ में आता है कि हाँ ये मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और यही क्या करता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप 50% कहीं ना कहीं आपने उसको सॉल्व कर दिया। बाकी जो टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव्स रहेंगे उसको देखते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे। तो एम्पैथिक मतलब क्या है, अप्रोचेबल, आप उसको जो है सुन रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, टेंजिबल्स, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फैसिलिटीज, स्टाफ, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, जहाँ पर आप कस्टमर के या किसी कंसर्न व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो वहाँ का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, यानी वेटिंग रूम कैसा है, वहाँ पर AC है कि नहीं है, पीने का पानी है कि नहीं, स्टाफ वहाँ का कैसा, वेल मैनर्ड है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डज द इक्विपमेंट अपीयर मॉडर्न, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट लगे हैं वो मॉडर्न है कि नहीं है। हाउ क्लीन इज द वेटर्स एप्रन, वहाँ पर अगर कोई वेटर अगर काम करे, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं आप या किसी होटल में है, तो उसका एप्रन कितना क्लीन है। दीज थिंग्स विल डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी। इसका सीधा मतलब क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाता है सर्विस क्वालिटी को मेंटेन करने के सेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर बातें खत्म होती हैं हमारी डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।